हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। जल्दी से इसको करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमको यहाँ पर तीन चीजें बतानी। सबसे पहले हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे जो कि दिया नहीं गया है। ठीक है, हमारा कुछ इस तरह का फिगर बनेगा बच्चों, जिसको हम नाम देंगे ए बी सी एंड डी। ठीक है, और डायगोनल्स बनेंगे जिसको हमें बताना भी है कि वो इक्वल है या नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको पॉइंट को हम लोग घुमानेंगे एंड हमको ये दिखाना है। और डायगनल्स ये बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, मतलब इक्वल होने चाहिए, तो ये भी आपको दिखाना है। प्लस आपको ये दिखाना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो 90 डिग्री पे करेंगे। ठीक है, वो भी आपको दिखाना है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, नो नीड टू वरी। सो लेट्स डू इट। पहले लिखेंगे हम लोग कि गिवन क्या क्या है। ठीक है बच्चों, गिवन में क्या क्या है आपको वो लिखते हैं। पहले गिवन है आपको ए बी सी डी इज स्केयर। ओके, आपको ये दिया गया है ओनली। ठीक है, और मैं कोमा डाल के, स्पेस कम है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। हमको प्रूव क्या करना है या क्या हमको दिखाना है, टू शो या टू प्रूव, जो भी आप लिखना चाहे। पहली चीज तो आपको ये करनी है कि आपको दिखाना है ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है बच्चों, ए सी इज इक्वल टू बी डी। दूसरी चीज आपको क्या करनी है इसके अंदर, आपको दिखाना है जो डायगनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी दिखाना है एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी दिखाना है। ठीक है बच्चों, मतलब आपको ओ डी दिखाना है। ठीक है, एंड लिख देते हैं यहाँ पे एंड कोमा। थर्ड चीज आपको जो दिखानी है वो दिखानी है कि ए सी जो है वो परपेंडिकुलर बी डी है या नहीं, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, चारों चीज। ठीक है, तो मतलब जो ए सी है वो परपेंडिकुलर है बी डी पे नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। सो लेट्स डू इट। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये दिखाना है ए सी इक्वल टू बी डी दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल जिसमें ए सी आएगा, देन हम लेंगे बी ए डी। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा बी डी आएगा। तो चलिए करते हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल बी ए डी। आपको नाम बच्चों बहुत ध्यान से लेना है, जो भी आप लिखेंगे देखेंगे ए बी एंड सी एंड बी ए डी। ओके, सो सबसे पहले आप देखोगे इसमें क्या कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू है आपका ए बी, ये तो कॉमन है बच्चों। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये स्केयर है बच्चों, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल बी, ये 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए के। ठीक है, अब मैंने क्योंकि ये ए बी सी की बात करी है तो ये वाले ट्रायंगल, इस एंगल को पहले लिखेंगे और जो इस वाले की बात करेंगे तो इसको बाद में, क्योंकि ये बाद में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ईच 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी चीज में क्या है, जो आपका ये दो ट्रायंगल हमने लिए हैं, ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो जो ए डी है वो इक्वल होगा बीसी, बीसी के, जो ए डी है वो बीसी के इक्वल होगा। क्या क्यों होगा, कोई बता सकता है, ए डी इज इक्वल टू होगा बीसी के, क्योंकि ये है एक स्क्वेयर, तो हम लिखेंगे रीजन साइड्स ऑफ ए स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये चीज होती है। नाउ तीन चीज हमने दिखा दी है, साइड एंगल साइड। सो इससे क्या होता है, इससे आपका आता है ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रेंगल बी ए डी के। कौन सा रूल लगेगा बच्चों, बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये रूल लगेगा। सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो ए सी, ए सी इज इक्वल टू होगा बी डी। ठीक है बच्चों, हम ए बी सी का ए सी लेंगे और इसका बी डी लेंगे। सो ए सी इज इक्वल टू होगा पी डी के। ठीक है बच्चों, ये होगा बाय सी पी सी टी। तो यहां से हमने पहली चीज तो है जो है वो प्रूव कर दी, ये वाली चीज। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाली चीज। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, हमको दो ट्रायंगल लेने होंगे, एंगल सॉरी ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है बच्चों, चलो इसको लेते हैं। नाउ नाउ
इन ट्रायंगल एओबी ठीक है एंड ट्रायंगल सीओडी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे अगर आप, तो इसमें क्या क्या चीज हमें दी गई है। ठीक है, पहली चीज आप ये देखोगे, ये वाला जो एंगल है एंगल वन एंड एंगल टू। ठीक है बच्चों, हम ध्यान से अगर देखोगे आप, मैंने नाम इस तरह से लिया एओबी, एओबी ताकि ये वाला एंगल, और सीओडी ताकि ये वाला एंगल। ठीक है, सो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल वन इज इक्वल टू होगा एंगल टू के। ठीक है बच्चों, कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल्स। ठीक है, ओके, मैं आपको यहां करके भी दिखा देता हूं, कुछ इस तरह से है, ये आपकी दो लाइनें हैं एंड ये ट्रांसवर्सल है, और जो उसके ये वाले एंगल होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बोला जाता है। ठीक है, नाउ अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे, ए ओ बी में ए बी आता है और सी ओ डी में सी डी आता है, सो आपका क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू होगा आपका सी डी के। कैसे होगा, साइड्स ऑफ अ स्केयर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा फंडामेंटल समझने की कोशिश करनी है। नाउ इस ये एंगल इस ए ओ बी के अंदर, ये एंगल को नाम देंगे थ्री, सॉरी इस एंगल को नाम देंगे थ्री, एंड जो ये वाला एंगल है इसको नाम देंगे एंगल फोर, एंगल फोर। ठीक है बच्चों, सो यहां से एंगल थ्री, ए ओ बी का एंगल थ्री एंड ट्रायंगल सी ओ डी का एंगल फोर इक्वल होगा, सेम रीजन होगा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसको भी आपको बता देते हैं, कुछ इस तरह का है ये इस तरह का बच्चों। ठीक है, सो इसमें ये वाला एंगल एंड दिस वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो यहां पर होगा एंगल साइड एंगल। सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। ठीक है बच्चों, कैसे होगा, बाय एंगल साइड एंगल रूल से। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम लोग यहां से क्या, इस कॉन्ग्रुएंस से हम क्या बता सकते हैं, इस एंगल के सामने, एंगल वन के सामने साइड कौन सी है, ओ बी, और एंगल टू ये दोनों इक्वल है ना आपस में, इसके सामने साइड कौन सी है, ओ डी। सो हम यहां से लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमने नाम लिया है उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्री के सामने अगर आप देखोगे तो ओ ए है, और एंगल फोर के सामने क्या है, ओ सी है। ठीक है बच्चों, सो यहां से आप बोलोगे ओ ए या फिर ए ओ बी बोल सकते हो, ए ओ इज इक्वल टू आ जाएगा सी ओ। ठीक है बच्चों, इन दोनों का जो रीजन होगा वो होगा सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, सो ये दूसरी पार्ट भी आपका प्रूव हो, बता दिया हमने, शो कर दिया। अब तीसरा बचा है ए सी परपेंडिकुलर बी डी दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब चाहो तो आप ये वाला, ये दो ट्रायंगल भी ले सकते हो, आप चाहो तो ये दोनों ट्रायंगल भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप ये लोगे तो आपको कुछ ऐसा लेना होगा ए ओ बी एंड ए ओ डी, अगर आप ये लोगे तो आपको लेना होगा बी ओ ए एंड बी ओ सी। ठीक है, तो मैं ये वाला ले लेता हूं, सो मैं यहां पर कर देता हूं बच्चों, नाउ नाउ इन ट्रेंगल बी ओ ए एंड ट्रेंगल बी ओ सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन इन दोनों ट्रेंगल के अंदर क्या चीज है, ओ बी, बी ओ या बी ओ दोनों कॉमन है। ठीक है, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ठीक है ये कॉमन है बच्चों दोनों ट्रेंगल के अंदर। ठीक है, एंड ए बी ये इस ट्रायंगल में है और बी सी इस ट्रायंगल में, मतलब बी ए और बी सी, सो बी ए इज इक्वल टू होगा बी सी, और ये स्केयर है तो इनकी साइड इक्वल होगी, तो यहां पर आप लिखोगे साइड्स ऑफ अ स्केयर। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो गया बच्चों। ठीक है, एंड ये दो ट्रायंगल की बात हो रही, तो इसकी ये ओ ए एंड ओ सी, ठीक है ओ ए एंड ओ सी आपका इक्वल होगा, ये हमने क्या किया है, प्रूव्ड अबव, आप ऐसा लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहां पर तीन साइड हमने बता दी है, सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी ओ ए, ठीक है,
कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीओसी के। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीजन क्या होगा? बाय साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, सो यहां से हम लोग को क्या बताना था बच्चों, हमको दिखाना, हमको ये एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, एंगल बी ओ ए ठीक है इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। ठीक है, ये हम बाई सी पी सी टी से लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप देखोगे तो ये इस साइड के सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, अब आल्सो आल्सो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एसी लाइन पर ये दो एंगल बन रहे हैं, मतलब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, सो हम यहां से लिख सकते हैं, आल्सो एंगल बी ओ ए प्लस में एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर पे आपको पता है कि जो दो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर। ओके, आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट भी होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, अब ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, यहां से अगर हम लोग बी ओ सी की जगह बी ओ ए लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो यहां से लिखेंगे एंगल बी ओ ए प्लस में एंगल बी ओ ए, क्योंकि दोनों इक्वल है ना बच्चों। ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे 180 डिग्री। अब आपको पता है क्या करना है, यहां पर दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, और यहां से एंगल जो बी ओ ए है वो आपका आ जाएगा 180 डिवाइड में 2। इसको करेंगे डिवाइड तो ये 90 डिग्री का आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका ये एंगल आ गया इतना। नाउ अब क्या करेंगे कि ये एंगल अगर 90 डिग्री का, तो बी ओ सी भी 90 डिग्री का होगा, मतलब बी ओ ए अगर 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि इक्वल है। अगर ये 90 डिग्री है इसका अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री का इसका अपोजिट भी, चारों एंगल क्या है आपके, चारों एंगल आपके आगे 90 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कि ए सी है परपेंडिकुलर बी डी के। ठीक है बच्चों, ये आराम से आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को इसका जो सही तरीका लिखने का वो ये, जैसे पहला पार्ट आपने यहां बताया तो आपको जो यहां पर लिखना है वो ये लिखना है डायगनल्स, इसके बाद डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है बच्चों, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिखाना है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो डायगनल्स यहां पर, इसके बाद डायगनल्स जब आपने प्रूव कर दिया तो यहां पर लिखेंगे डायगनल्स, ठीक है, बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके ठीक है बच्चों, यहां पर लिखना है और इसके बाद लिखना है आपको, यहां पर परपेंडिकुलर के बाद लिखना है आपको डायगनल्स डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये क्वेश्चन होता है आपका खत्म। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।